नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। 21 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए आज शाम 5 बजते ही प्रचार का शोर थम गया। अब 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए चुनावी दंगल में उतरे 51 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता के हाथ में है। इसके साथ ही प्रशासन और चुनाव आयोग भी उपचुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मतदान वाले सभी क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक और पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। बिहार में उपचुनाव का सियासी दंगल थम गया, प्रचार का शोर, अब जनता की बारी। 21 अक्टूबर को प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। 5 विधानसभा 1 लोकसभा की सीट पर होगी वोटिंग। पिछले एक पखवाड़े से बिहार की 1 लोकसभा और 5 विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव के लिए जारी प्रचार का शोर थम गया। अब 21 अक्टूबर को जनता अपना मत देकर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी। यह अलायंस नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जन आकांक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन करेगा, शानदार कामयाबी हासिल करेगा। उपचुनाव में एनडीए ने जिस तरीके से एकीकृत यूनाइटेड तरीके से चुनाव अभियान में पूरा जो ऑब्जर्वेशन किया है, उससे ये साफ लगता है कि जो जन रुझान है उसमें हम सभी 5 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा की सीट जो उपचुनाव है वहाँ जीतने जा रहे हैं। कि उपचुनाव में हम लोग 5 सीट और लोकसभा का 1 सीट वह जीतने का काम करेंगे, मजबूती से जीतने का काम करेंगे। हम मानते हैं कि अगर ईवीएम में कोई कारगुजारी नहीं हुई तो नाथनगर भी हम जीतेंगे, सिमरी बख्तियारपुर भी जीतेंगे और किशनगंज और समस्तीपुर की तो बात है ही है। रही बात बांका के बारे में हमको और दरौंदा के बारे में हमको कोई विशेष आइडिया नहीं। आरजेडी के सारे साथी यहाँ पे हमारा काम कर रहे हैं, जहाँ और महागठबंधन के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के लोग वहाँ काम कर रहे हैं, सभी, चाहे मांझी जी के लोग हो, चाहे कुशवाहा जी के लोग हो, चाहे मुकेश साहनी जी के लोग हो, हम सब तालमेल के साथ महागठबंधन ये चुनाव लड़ रहा है। 21 अक्टूबर को समस्तीपुर लोकसभा के साथ साथ बिहार की 5 विधानसभा सीटों किशनगंज, बेलहर, नाथनगर, दरौंदा और सिमरी बख्तियारपुर के लिए वोट डाले जाएंगे, जहां 51 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। रामचंद्र पासवान के निधन के बाद खाली हुई समस्तीपुर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में 8 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहां मुख्य मुकाबला एनडीए की तरफ से एलजेपी उम्मीदवार प्रिंस राज और महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अशोक कुमार के बीच है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अनामिका पासवान इस चुनावी दंगल को त्रिकोणीय बनाने में जी जान से जुटी। किशनगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव में 8 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। यहां मुकाबला एनडीए की ओर से बीजेपी प्रत्याशी स्वीटी सिंह और महागठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी साइदा बानो के बीच है। बांका जिले के बेलहर विधानसभा के उपचुनाव में 4 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन यहां जेडीयू और आरजेडी के बीच आमने सामने की टक्कर है। एनडीए की ओर से जेडीयू प्रत्याशी लालधारी यादव और आरजेडी प्रत्याशी रामदेव यादव मैदान में हैं। भागलपुर की नाथनगर सीट से 5 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। जेडीयू ने यहां लक्ष्मीकांत मंडल को मैदान में उतारा है। आरजेडी के टिकट पर राबिया खातून उन्हें चुनौती दे रही हैं। अब बात करते हैं उपचुनाव के सियासी दंगल की। सबसे हॉट सीट माने जा रहे सिवान जिले की दरौंदा विधानसभा सीट की, यहां से 11 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए की ओर से जेडीयू ने यहां सिवान की सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। आरजेडी की ओर से उमेश सिंह ताल ठोक रहे हैं, लेकिन दलिया प्रत्याशियों को चुनौती मिली है दोनों गठबंधनों के बागी उम्मीदवारों से। सिवान के बीजेपी उपाध्यक्ष रहे कर्णजीत सिंह और शैलेश कुमार यादव ने निर्दलीय ताल ठोक कर अपने अपने गठबंधन और दल के प्रत्याशियों की नींदे उड़ा दी। उधर सहरसा जिले की सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट पर 6 प्रत्याशी मैदान में। यहां मुख्य मुकाबला एनडीए की ओर से जेडीयू उम्मीदवार अरुण कुमार यादव और आरजेडी उम्मीदवार जफर आलम के बीच है। साल 2020 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के पहले हो रहे इस उपचुनाव को दशा और दिशा तय करने वाला चुनाव माना जा रहा है। अब देखना है कि 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले कौन सा दल और गठबंधन जीत दर्ज कर उत्साह के साथ आगे के सफर की बुनियाद रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नीतीश कुमार और बीजेपी को लेकर तेजस्वी यादव ने नई भविष्यवाणी की है। तेजस्वी यादव ने उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन कहा
कि छठ के बाद देखिएगा बिहार में क्या होता है। तेजस्वी की माने तो बिहार की राजनीति में बदलाव होगा, सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संभावना है और छठ के बाद संभव है कि ऐसा हो भी जाए। तेजस्वी ने जेडीयू के 15 साल के शासन को लेकर भी निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि जहां जहां अभी उपचुनाव है वहां वहां 15 साल से जेडीयू के विधायक हैं, उन इलाकों में क्या हुआ है जनता उनसे जानना चाहती है। तेजस्वी ने कहा कि जनता इस बार जेडीयू को सबक सिखाएगी। देखिए उनके बयान को इस तरह से देखा जाए कि अभी भी तो नेतृत्व तो नीतीश कुमार ही कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि आने वाला जो चुनाव होगा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये तो नहीं कहा कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री वही होंगे। तो इसमें बड़ा फर्क है। अब हालांकि आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी और उसके पास कोई सीएम लायक चेहरा नहीं है, तो ये तो बीजेपी के लोगों को चिंता करनी चाहिए कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो है विश्व की सबसे छोटी पार्टी के साथ जो है साथ ले रही है। तो और कहीं ना कहीं से आप देखिए आने वाले समय में छठ गुजर जाने दीजिए, फिर देखिए अभी तो भूमिका बनाई जा रही है, छठ के बाद जो है आप देखिएगा पूरी तरीके से जो है बिहार में समय पर जो है हमको जहां तक लगता है कि राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू होगा। 21 तारीख को जो है काफ़ी हर जगह है प्रचार हुई है और लोग जो है काफ़ी जो है परेशानी से गुजर रहे हैं। बिहार के लोग खास तौर पर जिस उम्मीदों के साथ उनको चुना था वो वादे जो हैं वो पूरे नहीं किए गए। विशेष राज का दर्जा कहाँ है, डबल इंजन की सरकार है तो विशेष पैकेज कहाँ है, और लगातार इन जहाँ जहाँ चुनाव हैं लगातार यहाँ से जनता दल यूनाइटेड के विधायक लगभग 3 टर्म से जीतते रहे हैं। तो ये 3 टर्म से जीतते रहे विधायक उनका, राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनका, और काम के नाम पे जीरो। उत्तर उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है लेकिन नेताओं के तर्कश से बयानों के तीर चल रहे हैं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक साथ कई तीर चलाए जिनसे महागठबंधन को चोट लगी है और एनडीए को भी जख्म मिला है। मांझी के इस तेवर से तो यही लगता है कि महागठबंधन से उनका मोह भंग हो रहा है और वो किसी तीसरे रास्ते पर चलने की तैयारी कर रहे हैं। मांझी के तर्कश से निकले कई तीर, जेडीयू और बीजेपी पर साधा निशाना, मांझी के वार से महागठबंधन पर खतरा। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अपने तर्कश से आज कई तीर छोड़े, एक साथ एनडीए और महागठबंधन दोनों पर निशाना साधा, जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती पर भविष्यवाणी की तो महागठबंधन को अपने तेवर दिखाए। जिसके सामने से थाली परसुई थाली खींच लिया जाए इससे बढ़ के अपमान हो नहीं सकता है। तो वैसी परिस्थिति में फरवरी मार्च जाते जाते बिहार की परिदृश्य बदलेगी और नीतीश कुमार को उनका अपना स्थान दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा भाजपा के द्वारा कि चाहे तेजस्वी जी हों या जीतन मांझी हों या कांग्रेस के कोई लोग हों, अगर आगे भी अगर अपना भीम को नहीं दबावेंगे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर गठबंधन का स्वरूप ठीक नहीं रहेगा। मांझी के तीर से जेडीयू और बीजेपी तिलमिला गई, एकजुट होकर जवाबी हमला किया और मांझी के राजनीतिक वजूद पर ही सवाल खड़े कर दिए। क्या बचा है जीतन राम मांझी या विपक्ष के लिए? अब जब एक तरफ एनडीए का गठबंधन अटूट दिखने लगा है, इस गठबंधन के 225 सीटों पर जीत की संभावनाएं बनने लगी है बिहार विधानसभा के अगले चुनाव में, उपचुनाव में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो रहा है, तो अब एक बार फिर से बिल्ली के भाग से छींका टूटने का इंतजार ये करने लगे। और सबसे बड़ी बात कि विपक्ष और महागठबंधन जो तथाकथित अब हो चुका है वो अपना वजूद ढूंढे कि विपक्ष के नेता का ओहदा भी उनको मिलेगा कि नहीं। लेकिन महागठबंधन ने मांझी पर कोई वार नहीं किया। हाँ, एनडीए पर मांझी के छोड़े गए तीर की तारीफ जरूर की लेकिन महागठबंधन पर हुए हमले पर चुप्पी साध ली। जिसके हाथ से थाली छीन लिया जाए, मुंह का निवाला छीन लिया जाए, वह जिंदगी में कभी भुला नहीं सकता और उसका बदला एक न एक दिन, अन्न का बदला एक न एक दिन मन से लेगा ही। ये जो कहते हैं वो करते हैं क्या?
ये कहते कुछ हैं करते कुछ और हैं, ये तो आने वाला चुनाव का वक्त ही आपको बताएगा कि नीतीश कुमार जी की हालत। दरअसल जिस तरीके से मांझी ने दोनों गठबंधनों पर निशाना साधा है उससे तो यही लगता है कि वो तीसरे रास्ते पर चलने के जुगाड़ में है। इसकी वानगी उपचुनाव में देखने को मिली भी, लेकिन महागठबंधन को अभी भी मांझी पर पूरा भरोसा है कि वो कहीं नहीं जाएंगे। धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। अभी कुछ दिन पहले राजेंद्र नगर वासियों ने डिप्टी सीएम के घर का घेराव किया था। आज जल प्रलय की त्रासदी झेल चुके लोगों ने एलएनटी कंपनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा किया। दरअसल पटना में सीवेज का काम एलएनटी कंपनी के जिम्मे है और हाल में हुए जल जमाव को लेकर कंपनी की तरफ से सफाई दी जा रही थी। उसी कार्यक्रम में राजेंद्र नगर के लोग पहुंच गए और हंगामा करने लगे। पोस्टर बैनर लिए लोगों ने जल जमाव के लिए दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सरकार की समीक्षा में एलएनटी कंपनी को भी दोषी माना गया है, शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। उसी सिलसिले में कंपनी की तरफ से सफाई दी जा रही थी। राजेंद्र नगर वासियों की माने तो निजी कंपनी वालों की गड़बड़ी की वजह से ही पटना शहर डूबा। हालांकि कंपनी ने सफाई दे दी है कि वो सीवेज का काम देखती है, लेकिन उनकी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई। सबसे बड़े जिम्मेदार है, सब मिल करके हम लोग को बर्बाद किया। एलएनटी मुर्दाबाद नगर निगम डिजास्टर जो हुआ है उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो ये है एलएनटी। ये सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, क्योंकि इनके चलते हमारा घर बर्बाद हो गया, हमारा घर उजड़ गया। और ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं किए, ये बहुत बेशर्मी की बात है। ये सबसे बड़े हमारे दोषी हैं, ये हमको बर्बाद कर दिए, हमारा परिवार सड़क पर है। ये पटना के 16 वार्डों को कवर करता है, जिसमें से 12 वार्ड फुल्ली कवर्ड होते हैं, 4 वार्ड जो है पार्सली कवर होता है, और जिससे लगभग 4 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। पटना की आबादी लगभग 20.5 लाख है, जिसमें से ये 4 लाख आबादी को कवर करेगा। मिथिला वासियों को हवाई सेवा का इस्तेमाल करने के लिए अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि दरभंगा से शुरू होने वाली उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब एक बार फिर से नई तारीख का ऐलान किया गया है और नई तारीख है मार्च 2020 की, यानी अगले साल से सेवा शुरू होने की संभावना है। वैसे अभी तक 3 बार तारीखें बदली जा चुकी हैं। दरभंगा में हवाई सेवा की तारीख फिर बदली। मार्च 2020 में सेवा शुरू होने की संभावना। शिलान्यास से अभी तक 3 बार बदली गई तारीख। ये 24 दिसंबर 2018 की तस्वीर है। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए भूमि पूजन हुआ था। सीएम के साथ तत्कालीन केंद्रीय उड्डयन मंत्री भी मौजूद रहे और दावा किया गया कि मई 2019 में दरभंगा से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। फिर तारीख आगे बढ़ा दी गई। सारा सामान वामान तो वहां पहुंच गया, जो भी मशीनरी वगैरह है, तो कार्य प्रारंभ उसी दिन से हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जुलाई तक ये सारा काम, चाहे वो टर्मिनल बिल्डिंग जो एक टेम्पररी बनना है या रनवे का स्ट्रेंथनिंग है, सारा काम तब तक पूरा हो जाएगा और जुलाई से वहां से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। इस दावे का चुनावी इस्तेमाल भी खूब हुआ। दरभंगा को एयरपोर्ट देने पर राजनीति हुई, लेकिन राजनीति करने वालों ने सुध नहीं ली कि एयरपोर्ट का काम किस रफ्तार से हो रहा है। तारीख दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई और अब अक्टूबर में कहा जा रहा है कि दिसंबर में उड़ान संभव नहीं है। संवेदक कंपनी की ओर से काम में देरी के कारण निर्धारित समय सीमा धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। दरअसल अभी तक पोर्टा केबिन का काम सिर्फ 50% ही पूरा हुआ है। वहीं रनवे पर
बिटमिन की केवल दो परतें ही चढ़ी हैं, यानी दिसंबर तक तो काम पूरा होता नहीं दिख रहा है। उड़ान योजना के तहत निजी कंपनी को ठेका मिला है। हालांकि फरवरी 2019 में निजी कंपनी ने 1 अगस्त से उड़ान शुरू किए जाने की बात कही थी। इसके लिए मई से टिकटों की बुकिंग की भी बात कही गई थी। शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे। तब लोगों को लगा था कि उनका सपना जल्द पूरा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब भरोसा दिलाया जा रहा है कि अगले साल मार्च से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो उड़ान योजना, मिथिला विद्यापति के भूमि से उड़ान भरना है, कब तक भरा जाएगा, तो उसको हम संदेश देना चाहेंगे जो लगभग मार्च तक विधिवत रूप से यहां से उड़ान योजना की शुरुआत हो जाएगी। तो मार्च तक का इंतजार कीजिए, जब दरभंगा के विद्यापति एयरपोर्ट से दिल्ली जाने के लिए सीधी उड़ान सेवा मिलेगी। लेकिन जिस रफ्तार से काम चल रहा है, लगता नहीं है कि मार्च में भी सेवा शुरू हो पाएगी। मुकेश, जी मीडिया, दरभंगा। शिक्षा को लेकर राज्य सरकार काफी गंभीर है। उनकी योजनाओं को देखकर तो यही कहा जा सकता है, लेकिन क्या जमीन पर शिक्षा को लेकर गंभीरता से काम किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि सवाल का जवाब आपको जमीन पर ही ढूंढना पड़ेगा। मधुबनी के घोघरडीहा में मौजूद प्लस टू लेवल का गर्ल्स स्कूल सिर्फ नाम के लिए है। 1100 बच्चियां यहां पढ़ने आती हैं, लेकिन पढ़ने के लिए उनके पास इमारत तक नहीं है। जो भी इमारत है वो ढहने की कगार पर है, और ऐसी स्थिति में कितनी छात्राएं पढ़ने के लिए तैयार होंगी, इस रिपोर्ट में देखिए। ये सरकारी स्कूल है, खंडहर। जान जोखिम में डालकर पढ़ती हैं छात्राएं। दांव पर जिंदगी और भविष्य से खिलवाड़। जी हाँ, मधुबनी के फूलपरास अनुमंडल के इस गर्ल्स स्कूल में यही हो रहा है। घोघरडी प्रखंड का इकलौता प्लस टू स्कूल है जो लड़कियों के लिए है, लेकिन इसकी हालत क्या है देख लीजिए। इमारत कभी भी गिर सकती है। छत का प्लास्टर टूटकर नीचे गिरा हुआ है, यानी कुल मिलाकर ये कहिए कि जर्जर इमारत में भविष्य संवारने का काम हो रहा है, वो भी जिंदगी दांव पर लगाकर। ताकि कभी भी मकान ढह जाएगा, और बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे मकान ढह चुका है। बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ हैं जिससे हम लोग पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे प्रयोगशाला नहीं है, मकान पूरा टूटा फूटा पड़ा है। इस छात्रा की बात से समझ गए होंगे कि स्कूल की हालत क्या है। वैसे राज्य सरकार ने स्कूल के लिए नई इमारत बनाने का आदेश दिया था, काम शुरू भी हुआ, लेकिन ठेकेदार भाग गया, अब वो ऐसे ही पड़ा है। हमेशा आशंका बनी रहती है कि कभी भी कोई हादसा हो जाए। प्लस टू भवन बना, वह भी अधूरा है, चूता है, सब जगह इसकी स्थिति आप देख रहे हैं। और पहले का जो भवन था उसका छत जगह जगह से टूट टूट के गिरता है। किसी तरह हम लोग जान जोखिम में डाल करके क्लास चलाते हैं। इस स्कूल में 1100 छात्राएं पढ़ती हैं, लेकिन सभी छात्राएं आती नहीं, क्योंकि जान जोखिम में डालकर कौन पढ़ना चाहेगा। स्थानीय लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी से इस बारे में कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। और इस वक्त आपको लिए चलते हैं रांची, जहां बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस वक्त मीडिया से मुखातिब हैं। तो इसका सीधे सीधे दोषी बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि यहां तो डबल इंजन की सरकार है। आप देखते होंगे हर मंच से हम सुन रहे हैं, रघुवर दास ये कहते हैं कि यह डबल इंजन की सरकार है, बड़ा तेजी से विकास हो रहा है। आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर देख ले झारखंड में, तो अभी कुछ दिन पहले ही एक ज्वेलरी शॉप में जा करके गोलीबारी हुई, कई लोगों को गोलियां मार दी गई, बीक चौराहे पे लोगों को मार दिया जा रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रेप की घटनाएं बढ़ गई हैं, मर्डर लूट हत्या बढ़ गया है, और सरकार प्रशासन जो है एकदम यहाँ अपराधियों का बेलगाम हो चुके हैं, और पुलिस तंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। आप देखिएगा, डबल इंजन की सरकार थी,
है अभी भी तो कौन सा ऐसा काम हो रहा है? ये लोग जल जंगल जमीन बचाने की बात करते थे, पूरी तरीके से जो है पूंजीपतियों को इन्होंने झारखंड की जितनी संपत्ति थी इन लोगों ने बेचने का काम किया है और आदिवासियों पर जुर्म धार रहे हैं, उनका अधिकार नहीं दे रहे। आप देखिएगा किसान बदहाल है, नौजवान जो है बेरोजगार है, 40 साल बाद जो है इतनी बेरोजगारी बढ़ी है। ये डबल इंजन का जो है काम करने का स्टाइल है। लोकसभा में भी इतनी सीटों झारखंड ने देने का काम किया, लेकिन आप देखिएगा अभी क्यों बेरोजगारी है, कब लोगों को रोजगार मिलेगा, झारखंड के लोगों की कब तरक्की होगी, बदहाल सड़कें कब बनेंगी, कब स्वच्छ पानी लोगों को उपलब्ध होगा, कब पूरी तरीके से बिजली मिलेगी लोगों को, ये केवल केवल यहाँ की सरकार जो है आई वॉश करने का काम कर रही है और सिर्फ चेहरा चमकाने का काम कर रही है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बिना कोई घूस घसोट के एक काम जो है झारखंड में नहीं हो पाता है। और चाहे केंद्र हो या राज्य हो, मिलकर के भी ये लोग झारखंड के तकलीफ का, झारखंड की जनता के तकलीफ का, ये लोग समस्याओं का निदान नहीं कर पा रहे हैं। तो जो लोग कहते हैं कि आने वाला और मौका हमको दीजिए, हम और विकास करेंगे, बस पूरा ही होने वाला है विकास, तो 19 साल में से 16 साल आप राज किए। जो व्यक्ति जिस पार्टी की सरकार 16 साल रही, जो लोग 16 साल में कुछ नहीं कर पाए वो आगे क्या करेंगे, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो व्यक्ति या पार्टी अगर सत्ता में आती है, 16 साल उनको मौका मिलता है, 19 साल में से वो कुछ नहीं कर पाए अब तक, तो आगे चल करके क्या करेंगे, ये झारखंड की जनता जो है उनसे पूछने का काम कर रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।